करेंगी, दिन समय देख के करेंगी, तो ये चीज का ध्यान रखेंगी, ठीक है। और जैसे सपोज करिए मेरा तो बहुत सीनियर सिटीजन है, तो ये उस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हो मेरे पास पूरा लिपस्टिक का पूरा सब शेड है, मेरे पास यूज का शेड है, कन्नडा सारे शेड है, लेकिन आप देख रहे हो दिन में आते हैं आपके क्लास में, तो मोस्टली रेयर ही कभी कोई और लगाते होंगे। ये हमारा परमानेंट, हमारा ही नहीं, एक एज आने पर इवन 65-70 भाई, जब बहुत हाई आप उसमें जाएंगी तो 65-70 भी लहंगा पहनेंगी, हेयर स्टाइल कराएंगी, मेकअप कराएंगी, तो आपको उनको करना है। रह गई बात ब्लशर की, ब्लशर कोशिश यदि हमारी एज के हो तो हम ब्लशर लगाना नहीं पसंद करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि जो शाइनर आता है, शाइनर आता है तो आप हल्का सा शाइनर ले करके बस जरा सा टच कर देंगे, यदि रात का होगा तो, रात का होगा तो। और उसके बाद क्या करेंगी आप, हल्का सा पफ आउट कर देंगी, पफ से डस्ट आउट कर देंगी कि लगे लगा भी, है और ना भी क्योंकि पैसा दिए ना, और लगेगा भी, आपको दिखाना भी कि हम पार्लर से तैयार होके आए हैं या एक पार्टिसिपेंट को तैयार किए, तो आप लगाइए लेकिन हल्का से डस्ट आउट कर दीजिए, लगा भी रहे और पता भी ना चले, लेकिन उनको मेकअप चाहिए भी चाहिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और सपोज के लिए यदि 40-45 की हैं तो आप लगाइए ब्लशर, और लगाइए उसको, लगाइए फिर उसको हल्का सा डस्ट आउट कर दीजिए कि दिखे भी लेकिन एकदम हाईलाइट नहीं हो, वो एक अलग सी सुर्खी दिखाई दे, पिंक पिंक सी, लेकिन दिखाई ना दे। वो क्या चाहती हैं ये ध्यान देना होगा। यदि वो हमारी तरह है कि मतलब जब हम 40-45 में थे करें तो फिर ठीक है करिए, लेकिन उसको भी बैलेंस, उनके कह देने पर आप यंग नहीं बना सकती, 30-35-25 का मेकअप उनको नहीं कर सकती, वो चाहे कितना भी कहेंगी, आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि उनका एज क्या है, ठीक है, और समय क्या है, पार्टी कैसा है, फंक्शन कैसा है, ठीक है, दिन में हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो या पहले पूछ लेंगे। आपकी ड्यूटी है, आपको मेकअप का आता है, यदि ब्राइडल आता है तो आप सबसे पहले ब्राइडल का नंबर देते हैं, आप कांटेक्ट करिए, आपका प्री ब्राइडल हुआ है, मतलब कि फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, बॉडी पॉलिशिंग, वैक्सिंग, डिटेनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो आप करवाइए, नहीं तो हमको बुलाइए, हम करेंगे, उसका पैसा अलग लगेगा, सबके लिए बता रहे हैं। यदि ब्राइडल का मेकअप आपको मिलता है तो ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ भी रच देंगी, यदि ये नहीं होगा, कितना भी अच्छा मेकअप कर देंगी, वो 100% नहीं आने वाला है, वो इफेक्ट, वो जो एक प्रभाव होता है हमारा करने का, जो इफेक्ट आता है वो नहीं आ पाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, बाल धुला है, शैम्पू किया है, कंडीशनर किया है, फिर आप जाने से पहले पूछेंगी, आप फोटो मांगेंगी उनके बाल कैसे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, और उनके फेस के हिसाब से आप क्या बनाएंगी। यदि आपको हेयर एक्सेसरीज चाहिए तो आप फ़ोन करके बताएंगी कि हमको गुलाब का फूल चाहिए, हमको वाइट जूड़ा चाहिए, प्लान पहले से कर लोगे, एन मौके, ब्राइडल की बात कर रहे हैं, अब पहले से आप ये नहीं करोगे कि हम क्या बनाएं, तो बाल छोटा है तो फजी है तो हम क्या करें, बहुत ज़्यादा फंसी है तो आपको मूछ खरीदना पड़ेगा, और मूछ का टेक्निक होता है यूं यूं करते झाग की तरह निकलता, जैसे वाइट, तो वो यूं आप करिएगा तो झाग निकलेगा लेकर के, और हेयर में ऑयल की तरह लगाते हैं, थोड़ी देर छोड़ते हैं, फिर आप कुछ भी हेयर स्टाइल करेंगे, ठीक है ना, मंगा देंगे, हमने बंदर से कहा है ला देंगे, तो हम आपको प्रैक्टिकल दिखा भी देंगे। इसका आपको ध्यान रखना है, उनका सिल्की है कि ऑयल है, ऑयली है कि सिल्की है कि फजी है, हम उनका जो हेयर स्टाइल है उसी हिसाब से बनाएंगे। अब बन नहीं रहा है, आधा घंटा बर्बाद करके आप कहोगे, जैसे हम लड़कियाँ कहती नहीं चलेगा, नो तो होना ही नहीं है। अब पहले से प्लान करिए कि इनको उनके पर क्या बनना, इनके चेहरे पर क्या अच्छा लगेगा, इनका गाउन ड्रेस है कि लहंगा ड्रेस है, ड्रेस का पता करिए, आप ड्रेस का एक्सेसरीज हमें दिखाइए, हमें गाना दिखाइए,